Hello everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Marine Tutor Marine Engineering Lectures. Today we will going to discuss about the compressor safety and its alarm. आज हम डिस्कस करेंगे compressors में कौन कौन सी safety होती है, उसकी working principle and उसकी locations and वो safety क्या provide करती है and क्या alarms होती हैं, हम उन topic पे आज discuss करेंगे. ये questions marine engineering interview में अगर कंप्रेसर्स की अगर सेफ्टी की बात आती है तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सबसे फर्स्ट सेफ्टी में बताना चाहूंगा रिलीफ वाल्व. रिलीफ वाल्व क्या होती है, इसकी लोकेशंस क्या होती है और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है. सबसे पहले रिलीफ वाल्व क्या करती है, ये जो भी एक्सेस प्रेशर जो होती है उसे वो रिलीज करती है. ओके, तो यहाँ पर सपोज कंप्रेसर्स है तो कंप्रेसर्स ऑनबोर्ड शिप में टू टाइप्स ऑफ कंप्रेसर्स होती है. एक हमारी मेन कंप्रेसर्स होती है और एक हमारे ऑक्सिलरी कंप्रेसर्स होती है. तो हमारी मेन कंप्रेसर जो होती है वो एयर स्टार्टिंग सिस्टम्स के लिए होती है, जो भी इंजन्स को जो स्टार्टिंग में एयर चाहिए होता है उसके लिए होती है. और ऑक्सिलरी कंप्रेसर जो होती है वो डिफरेंट सर्विसेज के लिए जाती है. 7 बार प्रोड्यूस होती है, उसके बाद प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हमारी जाती है. तो ये हमारी कंप्रेसर होती है. तो जो हमारी मेन कंप्रेसर की अगर एग्जाम्पल लें तो जो ऑपरेटिंग प्रेशर जो होती है वो हमारी 30 बार होती है, जो हमारी एयर स्टार्टिंग सिस्टम में हमारी यूज होती है. सपोज रिलीफ वाल्व का हमारा क्या काम है, प्रेशर एक्सेस प्रेशर जो भी है उसे रिलीज करना. ओके, सपोज हम दो केस लेते हैं. फर्स्ट केस हमारा है ये जो प्रेशर जो है ये हमारा 30.5 बार हो गई है एंड सेकेंड केस में हमारा 35 बार हो चुकी है प्रेशर. मीन्स फर्स्ट केस में हमारा क्या है 0.5 बार एक्सेस प्रेशर है, 0.5 बार जो है वो हमारा एक्सेस प्रेशर है एंड सेकेंड केस में हमारा 5 बार एक्सेस प्रेशर है. तब अगर हम बात करें जो हमारी थ्योरी है रिलीफ वाल्व की डेफिनेशन अगर बोल सकते हैं, जो एक्सेस प्रेशर्स की डेफिनेशंस बोल सकते हैं तो वो हमारी है द अमाउंट ऑफ ओपनिंग ऑफ वाल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन एक्सेस प्रेशर्स. मींस यहां पर हमारी एक्सेस प्रेशर 0.5 इंक्रीज हुई है, सेकेंड केस में हमारी एक्सेस प्रेशर 5 बार इंक्रीज हुई है. सो अमाउंट ऑफ ओपनिंग ऑफ वाल्व फर्स्ट केस में स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू सेकेंड केस में. ओके, ये हमारी अमाउंट ऑफ ओपनिंग ऑफ वाल्व है. अब यहाँ पर जो 5 बार जो है एक्सेस प्रेशर रिलीज करने के लिए हमारी जो रिलीफ वाल्व की जो ओपनिंग होगी वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू 0.5 बार. तो ये हमारी रिलीफ वाल्व होती है. अगर हम इसकी रिसीट पोजीशन के बाद की बात करें, जो रिसीटिंग पोजीशन होती है, सब हमारा अगर 35 बार हमारे कंप्रेसर में प्रेशर अचीव हो चुकी है तो हमारी 5 बार क्या करेगा, रिलीज करेगा, फिर ब्रिंग बैक टू दी मीन्स सेम 30 बार. और जब 30 बार तक वो आएगा तो हमारी रिलीफ वाल्व सिट डाउन हो जाएगी, मीन्स रिसीट हो जाएगी. तो हमारी रिलीफ वाल्व होती है कंप्रेसर्स पे लगी हुई होती है. नो, अब अगर हम बात करें सेकेंड जो हमारी सेफ्टी डिवाइस है वो हमारी फ्यूजिबल प्लग है. और फ्यूजिबल प्लग की अगर लोकेशंस की बात करें तो फ्यूजिबल प्लग इज फिटेड अंडर साइड ऑफ पाइप बिटवीन रिलीफ वाल्व एंड एयर बोटल. तो हमारी फ्यूजिबल प्लग की लोकेशंस होती है. और फ्यूजिबल प्लग की अगर बात करें तो ये हाई मेटल जिसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है जिस मेटल की उससे बनी हुई होती है. और इसकी कंस्टिट्यूएंट की बात करें जो मेटल्स जो होती है 50% हमारी बिस्मुथ होती है, 30% हमारी टीन होती है, 20% हमारी लीड होती है. इनकी हाई मेल्टिंग टेम्परेचर्स होती है इसलिए हमारी फ्यूजिबल प्लग बनी हुई होती है. अब अगर हम बात करें इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की तो जो हमारी फ्यूजिबल प्लग जो होती है ये एट हाई टेम्परेचर्स जो एयर की हाई टेम्परेचर्स होती है उस टेम्परेचर्स पे ये मेल्ट होती है और जो भी हमारी एक्सेस जो एयर है उससे हम ये रिलीज करती है, कुछ कंटेंट एयर जो होती है उसे ये रिलीज करती है. और ये जो फ्यूजिबल प्लग जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होती है वो हमारी टेम्परेचर 105 डिग्री सेल्सियस हमारी होती है. तो हमारी फ्यूजिबल प्लग की टेम्परेचर से जिस टेम्परेचर पर ये हमारी मेल्ट होती है और जो भी एक्सेस एयर जो होती है प्रेशराइज्ड एयर होती है वो हमारी ये रिलीज करती है. तो हमारी फ्यूजिबल प्लग थी. अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारी थर्ड सेफ्टी की बात करते हैं तो हमारी बर्स्टिंग डिस्क होती है. तो बर्स्टिंग डिस्क क्या होती है, यह हमारी एक प्लेट होती है जिसमें हमारी कॉपर डिशेस होती है. और इसमें क्या होता है जब भी हमारी प्रेशर ओवर प्रेशराइज हो जाती है तो वो हमारी बर्स्टिंग डिस्क होती है वो बर्स्ट हो जाती है और प्रेशर रिलीज कर
देती है। तो इसे अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बर्स्टिंग डिस्क इज जस्ट लाइक ए इलेक्ट्रिकल फ्यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल फ्यूज होती है उसी की जैसे बर्स्टिंग डिस्क यूज होती है। लाइक अगर हमारी इलेक्ट्रिकल फ्यूज अगर हमारी ब्लो आउट हो गई तो हम रीयूज उसे नहीं कर सकते हैं, हम उसे न्यू रिप्लेस करेंगे। सेम अगर एयर प्रेस ओवर प्रेशराइज हुई बर्स्टिंग डिस्क हमारी क्या हुई, बर्स्ट होगी और एयर प्रेशर हमारी जो होगी एक्सेस प्रेशर रिलीज होगी। तो अब हम क्या करते हैं इसे रिप्लेस करते हैं। जैसा ये हमारी क्या होती है, कॉपर की बनी हुई होती है, ओके ये मेम्ब्रेन होती है, वन टाइम यूज मेम्ब्रेन होती है और ये हमारी प्रेशर एक्सेस प्रेशर हमारी रिलीज हो जाती है और यहाँ पर टेल अरेंजमेंट हमारी होती है, ओके तो ये हमारी बस्टिंग डिस्क है। मैं बस्टिंग डिस्क के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो हमारी क्वेश्चन ऑलवेज आस्क्ड होती है, मे बी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड भी होती है मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन में। लाइक इंटरव्यूअर आपको ये पूछ सकता है, आप एज ए वॉचकीपर इंजीनियर हो और आपने देखा बर्स्टिंग डिस्क बर्स्ट हुई और उससे हमारी एक्सेस एयर रिलीज हुई, देन व्हाट यू डू, तो आप क्या करोगे। तो हमारी फर्स्ट जो होगी हम इन्फॉर्म टू ब्रिज करेंगे, हम ब्रिज को इन्फॉर्म करेंगे, जो भी हमारी ड्यूटी इंजीनियर्स होंगे वो इन्फॉर्म टू ब्रिज एंड वॉट एवर द वर्क इज गोइंग ऑन टू दैट डेक साइड लाइक चिपिंग एंड एनी अदर्स विच रिलेटेड टू एयर सर्विस शुड बी स्टॉप। तो हमारा स्टॉप हो जानी चाहिए, हमारी इमीडिएटली स्टॉप हो जानी चाहिए क्योंकि डेक्स में हमारी कुछ चिपिंग्स वगैरह एंड अदर एयर सर्विसेज की काम होती है, तो हमारी स्टॉप होनी चाहिए फर्स्ट केस। सेकंड केस अगर हम बात करें तो हमारी कॉल इंजीनियर्स, अब जो भी अदर्स इंजीनियर्स हैं शिप्स पे हम उसे कॉल करेंगे बिकॉज जो बर्स्टिंग डिस्क जो हुआ बर्स्ट हुआ इसकी रीजन्स होती है। सपोज एक रीजन ये हो सकती है कि लीकी ट्यूब्स, क्या होता है जो भी हमारी एयर फ्लो कर रही है जिस ट्यूब में तो मे बी चांसेस होती है कि ट्यूब लीक हो जाए, तो उससे क्या होगी ट्यूब डिफेक्ट हो जाए तो उससे क्या होगी एयर क्या होगी लीक होगी, तो इससे क्या होगी एयर की टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो उससे प्रेशर भी इंक्रीज होगी, हमारी बर्स्टिंग डिस्क बर्स्ट हो सकती है। तो मे भी हो सकता है ट्यूब लीकी ट्यूब हो सकती है, तो एलोन हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, ओके तो यहाँ पर हम कॉल इंजीनियर्स होते हैं। एंड थर्ड जो होती है अब मैं आपको बताऊंगा, सपोज अगर लीकी ट्यूब्स है बर्स्टिंग डिस्क बर्स्टिंग डिस्क बर्स्ट हुआ बिकॉज ऑफ लीकी ट्यूब्स, तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे कौन सी ट्यूब लीक्स है, क्योंकि वहां पर स्टैक्स ऑफ ट्यूब्स है, बहुत सारे हमारी ट्यूब्स है जिसमें एयर पास हो रही है, तो कौन सी ट्यूब है हम कैसे जानेंगे स्पेसिफिक ट्यूब जो है वो लीक है। तो इसकी मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। सपोज ये हमारी बकेट है, ओके हमारी बकेट में वाटर है, ओके हमारी 80% हमने वाटर फिल किया है बकेट में, ओके अब हम क्या करेंगे स्टैक्स ऑफ ट्यूब जो है उसे हम डिप कर लेंगे, ये हमारी स्टैक्स ऑफ ट्यूब जो है उसे हम डिप करेंगे, ओके अब जो डिप करेंगे तो जो ट्यूब की जो मोर देन हाफ पोर्शन जो होगी वो और हाफ पोर्शन जो होगी हमारी वाटर में डिप होगी, क्योंकि ये स्टैक्स ऑफ ट्यूब है, वन ट्यूब टू ट्यूब थ्री ट्यूब्स लाइक ऐसे स्टैक्स ऑफ ट्यूब्स होती है, उसे हम बकेट्स में डिप करेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे ये हमारी यहां से हम क्या करेंगे एयर सप्लाई करेंगे, यहां से हम एयर सप्लाई करेंगे, ओके और सपोज यहां पर अगर हम वाल्व अरेंजमेंट अगर हम ले लेते हैं, ओके सपोज ये वन हो गया टू हो गया थ्री हो गया, सबसे पहले हम ट्यूब वन को हम चेक करेंगे, पाइप वन को चेक करेंगे लीक है कि नहीं, तो यहां पर हम क्या करेंगे कंप्रेस्ड एयर जो है प्रोवाइड करेंगे ट्यूब पे। नाउ ये वाल्व ओपन रखेंगे और सेकेंड और थर्ड क्लोज रखेंगे, तो हमारी क्या होगी एयर सप्लाई करेंगे और जो भी सपोज अगर हमारी ये ट्यूब लीक होगी तो क्या होगा हमारी जो भी एयर सप्लाई होगी वो क्या होगी वो बाहर जाएगी, क्योंकि लीक हो रही है एयर लीक होगी तो हमारी यहाँ पर क्या होगी वाटर बबल फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर बबल फॉर्मेशन होगी, तो इससे हमारी पता चलेगी नंबर वन ट्यूब लीक है। सेम हम टू को भी चेक करेंगे, सेम हम थ्री को भी चेक करेंगे। सपोज अगर हम थ्री को चेक करते हैं तो हमारा वन एंड टू वाल्व क्लोज रहेगा, थर्ड वाल्व को ओपन करेंगे और यहाँ से हम कंप्रेस्ड एयर प्रोवाइड करेंगे। सपोज अगर हमारी एयर लीक होगी तो यहाँ पर वाटर बबल्स फॉर्मेशन होगा जिससे हमें पता चलेगा ये ट्यूब थर्ड ट्यूब लीक हो रही है। तो हमारी मेथड्स होती है बस्टिंग डिस्क में जिससे हम पता कर सकते हैं हमारी ट्यूब लीक को। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हमारी नेक्स्ट हमारी यह है नेक्स्ट सेफ्टी अगर हम बात करें तो हमारी होती है वाटर नो फ्लो ट्रिप। वाटर नो फ्लो ट्रिप क्या होती है, सपोज अगर हमारा इंटरकूलर है, इंटरकूलर में क्या होती है हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं और हमारी हॉट एयर आती है, अब हॉट एयर आती है तो उसे क्या करते हैं हमें उसे आइसोथर्मल कर्व के टुवर्ड्स अप्रोच करना होता है, मीन्स हम एम्बियंट टेम्परेचर्स पे उसे लाते हैं। सपोज अगर जो हमारा हॉट एयर है
और वो एम्बियंट टेम्परेचर हमारा कैसे अचीव होता है, वाटर फ्लो से अचीव होता है। ओके, मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था इंटरकूलर में, तो आपको हर चीज बताया था कैसे हीट ट्रांसफर हो रही है। अगर हमारा वाटर फ्लो नहीं हो रहा है तो इससे हमारा क्या है, जो एयर आएगी वहाँ हीट एक्सचेंज नहीं होगा और अगेन हमारी हॉट एयर ही सेकेंड स्टेज कंप्रेसर्स में जाएगी, जबकि हमारी कोल्ड एयर जानी चाहिए सेकेंड स्टेज कंप्रेसर्स में, एम्बियंट टेम्परेचर एयर जानी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, मे बी कभी कभी क्या होता है वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ मे बी पंप उसकी खराब हो गई होगी, पंप वर्क नहीं कर पा रही होगी, तो वहां पर वाटर नो फ्लो ट्रिप होती है, वो सेंस करती है और हमारी कंप्रेसर्स को ट्रिप कर देती है, तो हमारी कंप्रेसर्स स्टॉप हो जाती है, तो ये हमारी वाटर नो फ्लो ट्रिप होती है। ओके, फिफ्थ सेफ्टी देखिए, तो लो ल्यूब ऑयल प्रेशर अलार्म एंड लो ल्यूब ऑयल प्रेशर ट्रिप। अगर हमारी जो भी कंप्रेसर्स में क्या होती है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होती है और जो हमारी लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है वो कनेक्टिंग रोड क्रैंकशाफ्ट के थ्रू हमारे जाती है और हमारी गर्जन पिन तक भी जाती है और हमारी लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर उसकी प्रेशर्स अगर लो हो गई तो यहाँ पर हमारी अलार्म आएगी। अगर लो प्रेशर्स अगर हमारी होती है तो हमारे वहाँ ट्रिप हो जाएगा। जनरली हमारी 1 bar पे हमारा 1.5 bar पे हमारा अलार्म आती है एंड 1 bar पे हमारा ट्रिप हो जाती है। तो ये हमारी फिफ्थ पॉइंट थी। सिक्स पॉइंट अगर हम बात करें तो हाई एयर टेम्परेचर अलार्म। अगर हमारी एयर कंप्रेसर्स में जो एयर है अगर उसकी टेम्परेचर अगर हाई हो जाती है तो ये हमारी हाई एयर टेम्परेचर अलार्म्स आती है। तो ये भी हमारी एक सेफ्टी की तरह होती है, तो ये हमारी एक सेफ्टी डिवाइस है। ना इसकी बात करें जो सेवन सेफ्टी है वो हमारी होगी मोटर ओवरलोड ट्रिप। अगर मोटर से हमारी अगर हाई करंट आ रही है तो यहाँ पर कंप्रेसर्स को वो ट्रिप कर देती है, क्योंकि अगर हाई करंट आएगी तो जो वाइंडिंग्स होंगी मोटर्स की, जो वाइंडिंग्स होगी वो बर्नआउट हो सकती है, तो इसलिए हमारी मोटर ओवरलोड ट्रिप्स होती है। सेफ्टी की बात करें तो वाटर हाई टेम्परेचर ट्रिप होती है। ये हमारी इंटरकूलर अरेंजमेंट में लगी हुई होती है, क्योंकि अगर इंटरकूलर अरेंजमेंट में अगर वाटर की जो टेम्परेचर्स है जो हम वाटर सेंड कर रहे हैं हीट एक्सचेंज करने के लिए, एयर को जो हॉट एयर टू कोल्ड एयर प्रोवाइड करने के लिए जो वाटर टेम्परेचर, अगर उसकी वाटर टेम्परेचर अगर हाई हो गई तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इनसाइड में जो कंप्रेसर्स है वो इंटरकूलर चॉक्ड हो सकती है, तो इसलिए हमारी ट्रिप होती है। अगर वाटर टेम्परेचर अगर हाई होगी तो हमारी वो ट्रिप हो सकती है। तो ये अगेन ये हमारा एक सेफ्टी फिनोमिना है। अगर कंपनसेशन रिंग, अब ये कंपनसेशन रिंग क्या होती है, कंप्रेसर्स में क्या होता है बहुत सारे माउंटिंग्स होते हैं या बहुत सारी होल्स होती है या डिफरेंट डिफरेंट मशीनिंग पार्ट्स की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट फिटिंग्स होती है, तो वहां पर क्या होता है कुछ स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, तो उन स्ट्रेसेस जनरेट को रिमूव करने के लिए हम कंपनसेशन रिंग्स लगाते हैं। सपोज हमारी एयर कंप्रेसर है, सपोज यहाँ पर हमारी होल्स है, ओके तो ये हमारी होल्स है, तो होल्स के जो सराउंडिंग जो होगी वहां पर कुछ स्ट्रेसेस डेवलप होगी, तो इस स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए या कोई भी फिटिंग्स होगी या होल, मैं ये होल कंसीडर करता हूँ, या कोई फिटिंग होगी या कोई माउंटिंग्स होगी, ओके तो वहां पर क्या होगा कुछ स्ट्रेसेस डेवलप्ड होती है, तो उस स्ट्रेसेस को कंपनसेट करने के लिए हम कंपनसेशन रिंग लगाते हैं। ये हमारी कुछ ऐसे होती है और वो फिटेड होती है, बोल्ट फिटेड होती है, ओके और ये हमारी कंपनसेशन रिंग होती है। वो हमारी लास्ट सेफ्टी वाल्व है जो अब हम लोग पढ़ेंगे, वो हमारी होती है ऑटोमेटिक ड्रेन और मैनुअल ड्रेन। ये ऑटोमेटिक ड्रेन एंड मैनुअल ड्रेन क्या होती है, ये मैंने जब आपको कंप्रेशन कर्व बता रहा था पीवी डायग्राम की मल्टी स्टेज की, सपोज ये हमारी कंप्रेशन कर्व है, ये हमारी पी एंड वी डायग्राम है और ये हमारी आइसोथर्मल कर्व है, ओके और ये जो मैंने लाइन बनाई ये एटमोस्फेरिक लाइन है, ओके सो यहाँ पर हमारा पी एंड टेम्परेचर जो है वो हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड एटमोस्फेरिक टेम्परेचर है। सपोज अब क्या होता है हम कंप्रेस्ड करते हैं, ओके कंप्रेसर्स लगी हुई होती है, तो ये क्या होती है हमारी ये टेम्परेचर अचीव होती है, कंप्रेस्ड होती है, तो इसकी हमारी प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये हमारी क्या होती है इसकी टेम्परेचर इंक्रीज होती है, ये हमारी T2 होती है, ओके तब हमारी क्या होती है ये हमारी आइसोथर्मल कर्व है। ये जो मैंने ब्लैक शो किया हमारी आइसोथर्मल कर्व है और जो मैंने रेड शो किया वो हमारी क्या है कंप्रेशन कर्व है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि कंप्रेशन कर्व अप्रोच टुवर्ड्स आइसोथर्मल कर्व, ओके तो हमारी सेम अगर सेकेंड स्टेज में होगी तो सेम हमारी T3 से हमारी अगेन मीन्स T1 जाएगी, फिर अगर नेक्स्ट हमारी स्टेज होगी तो अगेन T4 से हमारी T1 जाएगी, और ये हमारी स्टेजेस डिफरेंट स्टेजेज होती है। मैंने बहुत इलेबोरेट तरीके से मैंने फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर में मैंने ये चीज़ बताया था। तब यहाँ पर क्या मैं जो बताना चाह रहा हूँ ऑटोमेटिक ड्रेन एंड मैनुअल
ड्रेन जो होगी वो कैसे यहाँ पर अचीव होगी। सपोज हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आइसोथर्मल कूलिंग कर रहे हैं विद कॉन्स्टेंट प्रेशर। यहाँ पर जो प्रेशर्स है इस लाइन में जो प्रेशर्स वो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि मल्टी स्टेज कंप्रेसर्स में हम लोग कॉन्स्टेंट प्रेशर के साथ हम उसे कूल करते हैं एयर को। तो यहाँ पर हमारी प्रेशर्स कॉन्स्टेंट है। अब क्या करेंगे हम, ईच स्टेज में हम क्या करेंगे, ड्रेन कर सकते हैं, ईच स्टेज में हम सक्सेसफुली ड्रेन करेंगे। ओके और ये हमारा ऑटोमेटिक ड्रेन हो सकती है, मैनुअल ड्रेन भी हो सकती है। अब इससे क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जो हमारा फाइनल एयर डिस्चार्ज होगा वो मॉइस्चर फ्री एयर होगी। अब वो जो भी हमारी फिर फर्दर इंजन में जाएगी तो अगर मॉइस्चर फ्री है तो कंडेंसेशन होने की चांसेस बहुत कम होती है, और वो कंडेंस नहीं होती और ड्यू पॉइंट करोजन भी नहीं होती वो और अगर एज ए सेफ्टी अगर बात करें तो और प्रेशर गेज भी लगी हुई होती है। ओके तो ये हमारी कंप्रेसर सेफ्टी एंड इट्स अलार्म थी जो मैंने आज आपको बताया। होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, इस लेक्चर में कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।